हाय फ्रेंड्स, हेल्दी कुकिंग विद अनीता में आपका स्वागत है। ये मेरा न्यू ईयर का पहला डिश है, तो साल की शुरुआत क्यों ना कुछ हेल्दी इंग्रेडिएंट से किया जाए। तो आज मैं आपको ब्रोकली सूप बना के दिखाऊंगी, और ब्रोकली के इतने ज़्यादा गुण है कि आप उसे अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, स्टर फ्राइड में भी कर सकते हो, पिज़्ज़ा में भी कर सकते हो। और आज मैं आपको ब्रोकली का सूप बनाऊंगी। और ब्रोकली में आपको पता है कि इसमें डाइट्री फाइबर बहुत होते हैं और विटामिन मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ब्रोकली आप ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करें। तो चलिए मैं आपको इसके लिए दिखाती हूँ कि इसके लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट लिया है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कर देना। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करती हूँ मैं अपना रेसिपी। अब ब्रोकली सूप बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें 2 कप पानी डाल रही हूँ। और ये गार्लिक को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये 5-6 कली इसमें गार्लिक डाल रही हूँ। और ये अनियन को भी मैंने लेंथ वाइज स्लिट कर लिया है, ये मैंने 2 प्याज लिया है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसको सबसे पहले मुझे बॉईल करना है और अनियन को सॉफ्ट करना है, जिससे इसमें इसका कच्चापन निकल जाए। तो अब मैं इसको थोड़ा ढक के पका रही हूँ। अब प्याज मेरा थोड़ा बॉयल हो गया है, सॉफ्ट हो गया है, तो अब ये मैंने ब्रोकली के फ्लोरेट्स लिए हैं, ये सारा मैं इसमें डाल रही हूँ। ये एक फ्लोरेट्स करीब 200 ग्राम के फ्लोरेट्स हैं। अब इसको हमें बॉयल करना है, और साथ में मैं थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ इसमें। पानी कम लगे तो थोड़ा सा पानी और डाल दें, करीब 2 कप के करीब इसमें पानी आएगा। अब इसे बॉयल होते हुए 5 मिनट्स हो गया है। अब मैं चेक कर ले रही हूँ कि ये ब्रोकली मेरा सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। तो ये ब्रोकली मेरा सॉफ्ट हो गया है, तो अब मैं इसका गैस बंद कर दे रही हूँ। अब इसको मैं एक बोल में निकाल दे रही हूँ। अब जब तक मेरा ब्रोकली ठंडा हो रहा है, तब तक मैंने ये बादाम को इसको लेंथ वाइज काट लिया है, इसको हमें रोस्ट करना है। और ये मैंने थोड़ा सा पाइन नट्स लिया है, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब ये बादाम और मेरा पाइन नट्स क्रंची हो गया है, तो मैं स्विच ऑफ करके इसे एक बोल में निकाल ले रही हूँ। अब ये जब ठंडा हो जाएगा तो हैंड मिक्सर से इसको आपको अब ये सूप मेरा अच्छे से ग्राइंड हो गया है, लेकिन आपको इसको छानना नहीं है, ये सूप ऐसे ही डलेगा। अब मैं आपको इसका आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। 1 टीस्पून इसमें बटर डाल रही हूँ। और ये मैंने 1 कप मिल्क लिया है, ये मेरा कॉर्नफ्लावर है, मैं मिल्क में थोड़ा 1 टीस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर डाल के मिक्स कर रही हूँ इसे। ये जो मेरा बनेगा वाइट सॉस बनेगा। वाइट सॉस बनाने के लिए हम मैदा लेते हैं, लेकिन ये सूप में हमें कॉर्नफ्लावर लेना है, जिससे इसमें कच्चापन का टेस्ट नहीं आएगा और ये थोड़ा सा थिक बन के अच्छा टेस्टी सूप बन जाएगा। सूप में आप जो भी बनाएं वो उसमें ऐसा नहीं है कि पूरा मेजरमेंट से बनाना है, थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपका सूप ज़्यादा हो तो आप इसमें 2 कप मिल्क भी ले सकते हैं। और इसका गार्निश का भी मैं आपको बताऊंगी कि आपके ऑप्शन में क्या क्या गार्निश आप इसे कर सकते हैं। सूप को आपको बहुत थिक नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा थिक सूप आपको पीने में अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको ये वाला बैटर थोड़ा सा पतला ही रखना है। अब ये मेरा बैटर तैयार हो गया वाइट सॉस का, तो अब मैं इसमें जो ये मेरा सूप का मिक्सचर है ये मैं सारा इसमें डाल रही हूँ। ये सूप थोड़ा रिच और हेल्दी होता है, और इसको बनाना भी बहुत इजी है। अब ये मैंने ब्लैक पेपर लिया है,
तो 1/4 टीस्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल रही हूँ और आप देखो इसको मैंने कोर्सली ग्राइंड किया है। ये जो आमंड और पाइन नट्स लिया था वो 2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ और थोड़ा मैं गार्निश के लिए रखूँगी। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखना है कि आपको सॉल्टी कितना पसंद है, क्योंकि बटर में भी सॉल्ट होते हैं और हमने बनाते समय भी इसमें सूप उसमें सॉल्ट डाला है। जब तक ये बॉयल हो रहा है तब तक मैं बता दूं, ये मैंने गार्लिक को थोड़ा मिंस कर लिया है और ऑलिव ऑयल में इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, ये हमारा गार्निशिंग में काम आते हैं। अब जब ये सूप बॉयल हो जाएगा तो मेरा इसे 5 मिनट ही बस बॉयल करना है मीडियम टेम्परेचर में और ये सूप बन के तैयार है। ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए अब ये मैंने जो आमंड्स और पाइन नट्स लिया था ये मैं थोड़ा इसमें डाल रही हूँ। इसमें आमंड्स और पाइन नट्स का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और ये मेरा बर्न्ड गार्लिक है ऑलिव ऑयल में, ये मैं थोड़ा इसमें डाल रही हूँ। ये मैंने चीज़ क्यूब लिया है, ये थोड़ा सा मैं इसमें ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि आप कुछ भी बनाए तो उसका प्रेजेंटेशन जितना अच्छा रखेंगे वो देखने में भी उतना अच्छा होगा और खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा। और लास्ट में आप इसमें एक ब्रोकली का फ्लोरेट रख लें तो ये देखने में बुरा बड़ा अच्छा और टेम्पटिंग हो जाता है। तो ये मेरा ब्रोकली सूप बन के तैयार है। अब आप भी इसका लुत्फ उठाएं और इसे पिए और मुझे बताएं कि ये आपको कैसा लगा, मुझे फीडबैक में बताएं। और तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।